अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम सैयद अरसलान बुखारी और केमिस्ट्री टीचर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए मैंने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो कि तीन हैं लेकिन हम तफसील से दो को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया गया है जबकि दूसरे टॉपिक में फिर हम सिलिकॉन के कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि कार्बन के कितने ऑक्साइड्स हैं और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स नाउ इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलीकॉन हम चंद कंपाउंडस कार्बन के और कुछ कंपाउंड सिलीकॉन के डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को स्टडी करेंगे जो कि टोटल तीन है मगर डिटेल हम दो की डिस्कस करेंगे और सिलिकॉन के सिर्फ एक कंपाउंड को का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे जो कि है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बड़ी अच्छी और खास फॉर्म में एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है क्वार्ट्स स्टूडेंट्स क्वार्ट्स को हम इसी लेक्चर के अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे तो चलें चलते हैं सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बेटा आप समझते हैं कि ऑक्साइड का मतलब क्या है ऑक्साइड का मतलब है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन तो जब कभी भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाता है तो हम कहते हैं कि वो उसने ऑक्साइड बनाया है याद रखिएगा कार्बन अपने तीन ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और एक का नाम है कार्बन सब ऑक्साइड सूर्यस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला सी ओ है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सी ओ टू है और कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला सी थ्री ओ टू है स्टूडेंट्स इन तीनों ऑक्साइड्स में से ज्यादातर चूँकि एग्जिस्ट करते हैं पहले दो जिनका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और हम डिटेल में भी उन दोनों को ही स्टडी करेंगे सो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में स्टूडेंट्स जो हम पहला ऑक्साइड डिस्कस करेंगे वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड जिसकी केमिकल करेक्टराइजेशन या केमिकल फॉर्मूला है सीओ इसके बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक कलरलैस और डूअरलैस टेस्टलैस और बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है सो इट इज कलरलैस और डुअरलेस टेस्टलैस एज वेल एज पॉइजनस गैस भी है स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत सारी किताबों में वाटर गैस की सूरत में भी लिखा जाता है एक्चुअली स्टूडेंट्स ये वाटर गैस नहीं होती है लेकिन चूंकि ये वाटर गैस बनाने में अब वाटर गैस क्या है वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इसको वाटर गैस इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अल्कोहल्स तो इसलिए इसको वाटर गैस का नाम दिया जाता है वैसे यानी ये वाटर गैस खुद नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि वाटर गैस बनाने में काम आती है इसलिए इसको वाटर गैस कह दिया जाता है सो तो ये इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज हैं और इसमें एक प्रॉपर्टी आप जहन में रखिएगा कि इट इज लेस डेंसर देन एयर ये एयर से काफी कम डेंसिटी रखती है Students, इसके पॉइजनस होने की कहानी तो आपने पहले भी सुनी हुई है कि अगर ये एक्सेस में हो और इसको इनहेल किया जाए तो ये सफोकेशन क्रिएट करती है उसकी रीज़न ये है कि इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन हेमोग्लोबिन एंड इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन ये चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन को कम कर देती है इसलिए इंसान के जिसम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है और अगर ज्यादा देर तक इनहेल कर ली जाए तो उससे इंसान की डेथ भी हो जाती है तो स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है बेटा इसके स्ट्रक्चर को आपने जरूर समझना है स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कार्बन और ऑक्सीजन दो यानी जाहिर नजारा एक एटम है एक एटम कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है आप सबसे पहले यह देखें कि इन दोनों के कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इन द लास्ट शेल तो स्टूडेंट्स वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन से पता चल जाएगा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन आपने की हुई है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है टू फोर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है टू सिक्स तो बेटा ये आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में चार जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मींस कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में आता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल दोनों के कुल मिलाकर टेन होंगे तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने जहन में रखिएगा अब आगे मूव करते हैं कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल और इसको चार ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू फॉलो ऑक्टेट और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल हो सके और ऑक्टेट रूल फॉलो कर सके अब स्टूडेंट्स होता क्या है लेट सपोज दिस इज कार्बन दिस इज कार्बन और इसके सामने आता है ऑक्सीजन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये रहा ऑक्सीजन अब जरा गौर से सुनिएगा कार्बन के पास है फोर इलेक्ट्रॉन्स फर्ज कीजिए अगर मैं कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह बनाता हूं एक इधर दो तीन चार और ऑक्सीजन के अगर मैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं तो स्टूडेंट्स होता क्या है होता यह है कि ये दोनों आपस में डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं अच्छा पे जो अब इस डबल बॉन्डिंग करने से क्या होता है इस डबल बॉन्डिंग करने से ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो जब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट्स ऐसे में ये होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हुए ये जो दो लोन पेयर्स हैं इन दो लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर को कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है कार्बन की तरफ जैसे ही ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करता है जाहिर है ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो रही है दैट इज वाई उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव लेकिन चार्ज आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कार्बन भी उस मामले में स्टेबल होने की कोशिश करता है कैसे जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेर इधर ट्रांसफर कर दिए गए हैं देखिएगा ये दो इलेक्ट्रॉन पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे दो इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर किया गया उसकी वजह से क्या होगा बेटा ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन तो कार्बन भी और ऑक्सीजन भी यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो एक्चुअली यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अब यहां पे स्टूडेंट्स बड़े हैरान होंगे वो कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो गई डबल बॉन्ड तो समझ में आता था ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कार्बन ने उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से आ गई एक्चुअली बेटा याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसकी है इसकी वजह से बॉन्ड बनता उस बॉन्ड का नाम क्या होगा उसका नाम होगा डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स कोर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बन जाता है तो उसके बनने के बाद उसमें और कोवलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं रह जाता वो दोनों एग्जैक्टली exactly एक जैसे ही महसूस होते हैं यानी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लाइज इन देयर मोड इन देर मेथड ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ उनके बनने का तरीका अलग है लेकिन जब वो बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तो उसके बाद एग्जैक्टली exactly वो किसके तौर पे बिहेव करता है स्टूडेंट्स वो कोवलेंट बॉन्ड के तौर पे ही बिहेव करता है तो एक्चुअली ये जो मैंने ऊपर सबसे पहले नंबर पे बनाया हुआ है असल में स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर करने के बाद बना अब जरा गौर करते हैं स्टूडेंट्स जरा गौर करते हैं कि क्या ये दोनों एटम्स इस तरह करने के बाद स्टेबल हो गए हैं या नहीं हुए तो बेटा इसके पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है अब इसके पास भी सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड़ रह गए कीजिएगा आप फोकस करेंगे तो आपको खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं यहां पर दो सर्कल्स को ड्रॉ करता हूं आपको समझाने के लिए तो बेटा एक सर्कल में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ठीक है एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक मैं आपको समझाने के लिए यहां ड्रॉ कर देता हूं ये अब जरा देखें फोकस कीजिए स्टूडेंट्स ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना इसको आप सर्कल नंबर वन समझ लीजिए और ये वाला जो है ना इसको आप सर्कल नंबर टू समझ लीजिए अब जरा फोकस कीजिएगा बेटा सर्कल नंबर वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल नंबर वन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन को तो देखें कि क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ जाहिर है स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं वो दोनों के ऑक्टेट का हिस्सा बन जाते हैं तो आप देखिए जरा कि ये रहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यहां पर और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स उक्ष का मजमुआ ये पड़ा हुआ है तो टोटल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उक्ष कितने हो गए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में एट ऑक्सीजन स्टेबल इसके साथ ही साथ कार्बन को देखें सर्कल नंबर टू को देखें स्टूडेंट्स एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है सॉरी इलेक्ट्रॉन का पेयर दो इलेक्ट्रॉन्स और छह इलेक्ट्रॉन्स का ये मजमुआ तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन ऑल्सो बिकम्स एट इस तरह स्टूडेंट्स ये आउटर मोस्ट शेल में दोनों ही अपने एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के बाद क्या हो गए स्टेबल हो गए स्टूडेंट्स आप इस स्ट्रक्चर को यूं भी तो लिख सकते हैं ये रहा कार्बन उसने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से क्या हुआ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो आप इसको यूं भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स so, ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है आप इसको एक ट्रिपल बॉन्ड बना के भी आ, शो कर सकते हैं और इस तरह भी शो कर सकते हैं दोनों मेथड्स दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं ये इसकी लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहलाती है स्टूडेंट्स ये भी ठीक है और इसको भी ठीक कंसीडर किया जा सकता है सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अब आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि ये इतनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे कर जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसी भी वक्त टूटता है और टूटने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है रिएक्ट कर जाता है स्टूडेंट दैट इज द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अब स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट बहुत हाई होना चाहिए लेकिन इसका डायपोल मोमेंट काफी लो है और वो डायपोल मोमेंट है जस्ट जीरो पॉइंट वन वन टू डि इतना कम डायपोल मोमेंट होने की वजह क्या है स्टूडेंट्स इसकी वजह ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रो होना है क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ड्रॉ करता है जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव एंड में चला जाता है और ये पार्शियल पॉजिटिव एंड में चला जाता है स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राॅइंग इफेक्ट की वजह से इसका मेलेकुलर ज्योमेट्री चेंज होती है और डाइपोल मोमेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और पहला ऑक्साइड हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड अब चलते हैं दूसरे ऑक्साइड की तरफ कार्बन के दूसरे ऑक्साइड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है डाइऑक्साइड का मतलब है देर विल बी टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सो कार्बन डाइऑक्साइड मींस वन एटम ऑफ कार्बन विल बी कोवलटली बॉन्डेड टू टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात ध्यान में रखिएगा कि ये भी एक कलरलेस गैस है लेकिन याद रखिएगा जिस तरह वो एक टॉक्सिक गैस है ये नॉन टॉक्सिक गैस है सो दिस इज अ नॉन टॉक्सिक गैस इसके अलावा और डुअर है स्टूडेंट्स इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती है एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में है वो है ये बहुत हैवियर गैस है

स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इसमें ये रहा कार्बन और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसके सामने एक तरफ ऑक्सीजन का एटम आता है स्टूडेंट्स तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर हमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स पड़े नजर आते हैं उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाती है और इसके अलावा एक और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आता है और दो इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग यहां पर हो जाती है इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक लीनियर स्ट्रक्चर हमें नजर आ जाता है जिसकी ज्योमेट्री जिसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है और इसका डायपोल मोमेंट, चूंकि ये लीनियर ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा जीरो सो दैट इज द टॉपिक ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है एक एसिडिक ऑक्साइड है इसको हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि कम्पाउंड्स ऑक्साइड्स जो होते हैं कार्बन के और सिलिकॉन के वो ज़्यादातर क्या होते हैं एसिडिक होते हैं और बाकी मेंबर्स के इनके एम्फोटेरिक होते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट सिलिकॉन की बारी आती है तो सिलिकॉन के जिस कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सिलिका भी कहा जाता है सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिलिका और इसका जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसकी केमिकल करेक्टराइजेशन या इसका फॉर्मूला है एस आई ओ टू सो ये एस आई ओ टू की फॉर्म में हमें मिलता है स्टूडेंट्स ये भी आपको नजर आ रहा है कि इसमें भी टेट्रावेलेंसी पूरी के पूरी सिलिकॉन की सेटिस्फाइड है टेट्रावेलेंसी ऑफ सिलिकॉन हमें नज़र आती है इसके अंदर ये टेट्रा हीट्रल जो हमें आमतौर पे शो करता हुआ चार के चार सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए होते हैं इस तरीके से एस आई ओ टू जो है असल में स्टूडेंट्स ये यूनिट्स एस आई ओ फोर होते हैं लेकिन हम इसको आम तौर पर एम्पेरिकल फार्मूला पर कन्वर्ट करके एस आई एस आई ओ टू की फॉर्म में इसको आगे लेके चलते हैं अब स्टूडेंट्स इसको सिलिका भी कहा जाता है सिलिका की कुछ मेन टाइप्स जैसे हमने थोड़ी देर इससे पहले भी हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सिलिका जो है वो हमें आ, किस फॉर्म में मिलता है वो हमें क्वार्ट्स की फॉर्म में भी मिलता है सैंड की फॉर्म में भी मिलता है तो इस क्वार्ट्स इसकी एक नस्बतान बेहतर फॉर्म है सैंड की फॉर्म में तो ये हमें बहुत ज़्यादा मिलता है ना दुनिया का आपके सामने कोई भी ऐसा ख़िता नहीं होगा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा कि जहाँ पर सैंड ना पाई जाती हो लेकिन क्वार्ट्स की फॉर्म में भी ये हमें काफ़ी ज़्यादा जगहों पर मिलता है और स्टूडेंट्स इसकी बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के यूजेस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनमें से चंद कर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं विट्रियस सिलेिका के स्टूडेंट्स विट्रियस सिलिका क्या है इसको कहा जाता है फ्यूज्ड क्वार्ट्स बेटा जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हीट करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्यूज्ड क्वार्ट्स के अंदर इसको विट्रियस सिलिका भी कहते हैं उस फॉर्म में और इसको फ्यूज्ड क्वार्ट्स भी कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है नंबर वन हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट अब आपके सामने स्टूडेंट्स के ये ट्रांसपेरेंट होगा और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें से लाइट पास कर जाएगी और बेटा इसकी यही कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसकी वजह से हम इसको ग्लास प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो ग्लास प्रिपरेशन के अंदर हम सेलिका को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी इसमें मददगार होती है वो है हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट वेरी रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है डज नॉट सॉफ्ट बिलो फिफ्टीन हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट सिलिका के बारे में याद रखिएगा कि दुनिया में जो ज़्यादा हार्ड मटीरियल्स काउंट किए जाते हैं उनमें सिलिका का शुमार भी होता है कि ये भी बहुत हार्ड मटीरियल में से एक है तो जाहिर है इसका मेल्टिंग और बॉयलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो ये फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट भी नहीं होता स्टूडेंट्स इट हैज़ वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन इसकी बहुत कम है वो आप समझ सकते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर है नेटवर्क स्ट्रक्चर जल्दी करके नहीं टूटता है एक्सेसिव बॉन्डिंग हुई होती है दैट इज़ वाई वो हीट रेजिस्टेंट ही होता है और ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन जो है वो नहीं करता स्टूडेंट्स ये एक्सीलेंट इंसुलेटर है इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी कॉमन लाइफ में हमें नज़र आता है कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ हाई एक्सटेंशन लाइ लाइन्स गुजर रही होती हैं और बड़े 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 पोल्स लगे होते हैं तो उन पोल्स के इर्द गिर्द सारी उन्होंने सैंड फेंकी होती है इसलिए ताकि किसी किस्म का करंट किसी इंसान या किसी जानवर को ना लग जाए और वो इसकी प्रॉपर्टी एक्सिलेंट इंसुलेटर होने की वजह से है स्टूडेंट्स इट इज हार्ड ये बात हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलिकॉन और उसके कंपाउंड आमतौर पर हार्ड ही होते हैं ब्रिटल एंड इलास्टिक स्टूडेंट्स इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता आपने देखा होगा स्टूडेंट्स सैंड चूंकि सिलिका की ही फॉर्म है तो आप सैंड को वाटर के अंदर डिजोल्व होते हुए नहीं देखते हैं तो ये इन इन वाटर है इस वजह से हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं एंड द लास्ट वन इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स ऑल एसिड्स एक्सेप्ट एच एफ स्टूडेंट्स एच एफ के साथ ये रिएक्शन कर जाता है और बाकी किसी एसिड के साथ ये आम तौर पर रिएक्शन नहीं करता तो ये हैं प्रॉपर्टीज सिलिका की विट्रियस सिलिका की या फ्यूज्ड क्वार्ट की स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम लोग क्वार्ट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलें चलते हैं क्वार्ट्स की तरफ जी तो डे स्टूडेंट्स दैट वाज द टॉपिक ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन टॉपिक यहाँ ख़त्म नहीं होता अभी बी पार्ट बाकी है दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हम सिलीकॉन के कंपाउंड्स को स्टडी करने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्बन के दोनों ऑक्साइड्स की आपको समझ लग चुकी होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़